नमस्कार, पब्लिक न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जहां हम देते हैं आपको हर रोज नई नई जानकारियां। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होने जा रहा है। इसके दो दिन पहले समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों सहित सभी वर्गों को लुभाने की भरपूर कोशिश की है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में इस बार क्या क्या खास है और कौन कौन से वादे जनता से किए गए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को समाजवादी वचन पत्र नाम दिया है। पार्टी ने इसकी टैगलाइन रखी है, सत्य वचन अटूट वादा। घोषणा पत्र जारी करते हुए अखिलेश यादव ने ये कहा कि सत्य वचन अटूट वादे के साथ हम 2022 के घोषणा पत्र के रूप में इस दस्तावेज के साथ लोगों के पास जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा दिया जाएगा। समाजवादी पेंशन के तहत महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगों को सालाना 18,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा भी सपा के वचन पत्र में की गई है। इसके अलावा घोषणा पत्र में हर गांव शहर में वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाने के वादे भी किए गए हैं। अब नजर डालते हैं उन बिंदुओं पर जिसको लेकर समाजवादी पार्टी जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। घरेलू इस्तेमाल में की जाने वाली बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, ये समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में मेंशन किया गया है। किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, साथ ही स्मारक को भी बनाया जाएगा। केजी से पीजी तक की शिक्षा लड़कियों के लिए मुफ्त होगी। समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे। बीपीएल परिवारों को 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सभी किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त भी किया जाएगा। सभी थानों और तहसील से भ्रष्टाचार कम किए जाएंगे। विश्वविद्यालयों की सीटें दोगुनी कर दी जाएंगी, ये भी समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा गया है। हेल्थ बजट को मौजूदा स्तर से 3 गुना ज्यादा किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करते हुए 2005 से पहले की व्यवस्था लागू करने का वादा भी सपा ने किया है। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण, कॉल सेंटर और वृद्धाश्रम चलाए जाने की भी बात कही गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व, शिक्षा से जुड़ी भर्तियां एक साल में भरने का वादा भी समाजवादी पार्टी की ओर से इस घोषणा पत्र में किया गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या वास्तव में इन सभी वादों को पूरा किया जाएगा कि ये भी ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में कुछ और लेटेस्ट जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक पब्लिक न्यूज़ का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, ताकि आप किसी भी जानकारी से पीछे नहीं रह जाएं।